अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं, पान पेड़े यानी कि दिल वाली बर्फ़ी। ये कैसे बनती है, चले आए आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे 5 किलो खोया, इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी होता है इसके अंदर, खोए के अंदर, वो सारा खुशक हो जाए। कमर्शियल रेसिपी है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ और नई नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। जी तो व्यूवर्स, बर्फ़ी जो हमने पकानी है इसकी, पान पेड़े की, दिल वाली बर्फ़ी की, वो हमने शुरू कर दी है। तो काफ़ी हद तक वो माशाल्लाह बेहतर हो गई है। जी तो माशाल्लाह व्यूवर्स, देखें कैसी ज़बरदस्त हो गई। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप इसमें कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जो दिल की बर्फ़ी होती है, पान पेड़े होते हैं, उसमें चीनी हमेशा ज़्यादा ही अच्छी लगती है, कम चीनी उसमें अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसमें शामिल करूँगा 3 किलो चीनी, 5 किलो खोया है, 3 किलो चीनी शामिल करके हम इसको पकाएँगे अच्छे तरीके से। दरमियानी आँच पर आपने इसको पकाना है, ताकि चीनी भी इसकी घुल जाए सारी और बर्फ़ी भी अच्छे तरीके से बन जाए। दिल वाली बर्फ़ी बहुत ही आसान है, तो माशाल्लाह आप देख भी रहे हैं और बर्फ़ी को हल्का हल्का उबाला आना शुरू हो गया है। तो अब इसको मज़ीद चलाते जाएंगे, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना, मुसलसल चलाते जाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो अब माशाल्लाह फुल जोश आ गए हैं, इसको फुल उबाले आ रहे हैं, ये देखें बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई। हम इसको नीचे उतार देंगे, इसको 3 से 4 अच्छे उबाले आ जाएं तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो जाता है। आपका जो बर्फ़ी की रेसिपी होगी बिल्कुल आपकी ओके हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे, पहले आप पंखा चला दें या इसको वैसे छोड़ दें हवा पर, तो आधे पौने घंटे में ये ठंडी हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची, ठंडी हो गई है, छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो डालडा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डालडा घी डाला है। डालडा घी हमने 1/2 किलो इसमें डाल दिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, इलायची पाउडर को और घी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और इसका जायका जो है वो माशाल्लाह और ही दुगना और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे ही ये ज़बरदस्त हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो व्यूअर्स, बर्फ़ी जो है हमारी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, ज़बरदस्त। अब हम इसको प्लेट की मदद से एक ट्रे में डालेंगे, ट्रे के नीचे एक प्लास्टिक का शॉपर लगा के उसके ऊपर बर्फ़ी डालते जाएंगे, इसको छोड़ देंगे 8 घंटे के लिए, ये ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद हम इसको काटेंगे, काट के आप एक ट्रे में डालें, इसको हल्का सा इसको मसलें, ये देखिए बर्फ़ी बिल्कुल रेडी होगी। अब यहाँ पे तो बर्फ़ी थोड़ी सी लेके मसल लें, छोटे छोटे पेड़े बना लें आप इसके, 20-20 ग्राम के पेड़े बन जाएंगे। तो इसके बाद आपने दिल वाली बर्फ़ी बनानी कैसी है, एक पान पेड़े का आप ठप्पा लेंगे, दिल वाला साइज़ का जैसे होगा ये निशान, तो इसकी मदद से हम ये सारे पान पेड़े ऐसे ही बना लेंगे। तो ये बासानी मिल जाता है, बर्तन की बड़ी दुकान से भी मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।